अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम करेंगे फुल रिव्यू OnePlus 5 का फाइनली, क्योंकि इस फोन को मैंने कुछ समय तक अब यूज कर लिया है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि इस फोन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, कितने प्राइस पे, और क्या ये फोन आपके लिए सही रहेगा अगर आपके पास OnePlus 3 या 3T है, और अगर नहीं है तो क्या आपको ये फोन लेना चाहिए, किन कारणों की वजह से आप इस फोन को लेना चाहेंगे, शायद किन कारणों की वजह से आप इन फोन को ना लेना चाहें, वो सब चीजों के बारे में बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले हम बात करते हैं OnePlus 5 के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे यह है कि जी हाँ, ये फोन काफी कुछ iPhone 7 Plus जैसा दिखता है। लेकिन अगेन, बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे भी हैं जिनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये iPhone 7 जैसा दिखता है, तो डेफिनेटली आप OnePlus 5 ले सकते हैं। साथ ही साथ डुअल कैमरा की प्लेसमेंट भी बिल्कुल वैसी ही दी गई है। अगर मैं बात करूं ग्रिप की, तो यहाँ पे iPhone 7 Plus से बेहतर ग्रिप आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये फोन उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा iPhone 7 Plus है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एजेस हैं, थोड़ी सी कॉर्नर एजेस जो हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी ग्रिप जो है आपको मिल जाती है इस फोन के ऊपर, बिना किसी केस के साथ भी। अदरवाइज अगर आप केस खरीदना चाहते हैं तो कुछ इस तरह के कार्बन फाइबर केस आप OnePlus 5 के लिए खरीद सकते हैं, ताकि आपके पीछे की मैट फिनिश जो है ब्लैक कलर की, वो बरकरार रहे, बिल्कुल वैसी ही रहे जैसी वो नई आती है फोन जब आप खरीदते हैं। तो अब हम बात करते हैं OnePlus 5 के बारे में, क्या क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुए हैं OnePlus 5 में, अगर आप इसे कंपेयर करें पुराने OnePlus 3 या 3T से। तो OnePlus 5 में सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे है डुअल कैमराज, जो कि अभी भी इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ, पूरा अपडेट मैंने फ़ोन को कर लिया है, जितने भी OnePlus ने अपडेट्स इस फ़ोन के लिए दिए हैं वो सारे अपडेट्स मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डुअल कैमरा बेहतर तो हुए हैं, लेकिन एजिंग में जो है बेसिकली उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो सॉफ्टवेयर लेवल पे फिक्स हो जाएगा समय के साथ, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना वो प्रिसाइज एक्यूरेट नहीं है, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप डे लाइट में अगर आप किसी इंसान का फोटो ले रहे हैं, अपना फोटो ले रहे हैं, बेसिकली किसी का पोर्ट्रेट फोटो ले रहे हैं, तो वो तो अच्छा आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एजिंग में थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा एरर मिलेगा, लेकिन वो समय के साथ ठीक हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ डुअल कैमरा यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं आपको, और ये डुअल कैमरा जो है ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। अगर आपको एक अच्छा बुके इफेक्ट चाहिए उन फोटोज में जो कि आप कैप्चर करना चाहते हैं इसके डुअल कैमरा से, साथ ही साथ फ्रंट कैमरा की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा बिल्कुल बढ़िया है। अगर आप फ्रंट कैमरा से फोटोज लेके उनको फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हैं, तो अच्छी क्लैरिटी का वो फोटो आप ले सकते हैं इसके फ्रंट कैमरा से। फ्रंट कैमरा सेल्फीज अच्छी आती हैं। लो लाइट में अगर आप देखें तो थोड़ी नॉइज आपको देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल डे लाइट में आप अच्छी फोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से OnePlus 5 के ऊपर जो लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है 5.5 इंच, ये एक फुल एचडी डिस्प्ले है, और यहाँ पे कलर्स बढ़िया हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, आउटडोर के अंदर आप इस डिस्प्ले को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई परेशानी आपको उसमें नहीं होगी। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि डिस्प्ले में मामले में ये फोन अच्छा है। अगर और चीजों की बात करें तो सारी चीजें मैंने अपने मैग्नेटिक नोटपैड पे लिख ली हैं, तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके यूजर इंटरफेस के बारे में। फाइनली तो यूजर इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्मूथ यूजर इंटरफेस इस फोन में मिल जाता है, जो कि काफी कुछ जो है स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ही है। इसमें आपको एंड्रॉइड नॉगट 7.1.1 मिलता है, तो यहाँ पे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है OS, और साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया है। 33,000 रुपये में इस फोन के अंदर आप 6GB रैम पा सकते हैं, साथ में 64GB स्टोरेज मिल जाती है, जिसमें से तकरीबन 52GB के आसपास आपको फ्री मिल जाता है। अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो आप ले सकते हैं इसका 38,000 रुपये वाला मॉडल, जिसके अंदर आपको मिलेगी 128GB की स्टोरेज। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सपोर्ट SD कार्ड का, तो SD कार्ड का सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है,
साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी का, तो हेडफोन जैक यहां पे दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। गनीमत है कि OnePlus ने वो हेडफोन जैक नहीं हटाया है। USB-C पोर्ट मिल जाता है, एक ही लाउड स्पीकर मिलता है। अगर हम कॉम्प्रोमाइजेज की बात करें तो ऐसे में इस फ़ोन के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नहीं होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये हैं ही। जैसे कि ये फ़ोन वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे, कुछ सर्च करेंगे तो इस फ़ोन के बारे में कुछ वीडियोज आपको मिल जाएंगे जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर एक मिनट के अंदर इस फ़ोन को पानी में डुबा के निकाल लिया जाए तो ये ख़राब नहीं होता है, जो कि प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी अच्छी है फ़ोन में। वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर भी बच सकता है बारिश में, बरसात में, अगर पानी से ये भीग जाए या गलती से पानी में फटाफट गिर जाए और आप फटाफट निकाल लें तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये बच जाएगा। लेकिन अगेन, पूरी तरह से श्योरिटी से कोई भी नहीं कह सकता है, मैं भी नहीं कह सकता हूँ, OnePlus भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन तो है नहीं। इसी के साथ एक और कॉम्प्रोमाइज़ जो कि इस फ़ोन के अंदर है, वो ये आप कह सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर आपको OIS नहीं मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे पीछे की तरफ डाला जा सकता था रियर कैमरा में, जिससे इसके रियर कैमराज और बेहतर हो जाते, लेकिन OnePlus ने डिसाइड किया कि वो फीचर वो उसमें नहीं डालेंगे। उससे मेरे ख्याल से कैमराज और बेहतर हो जाते, अदरवाइज कैमराज अच्छे हैं, अच्छी फोटोज आप ले सकते हैं डे लाइट में या फिर आर्टिफिशियल लाइट में। लो लाइट में थोड़ी नॉइजी फोटोज आपको देखने को मिलती हैं। अब और चीज़ों की बात करें तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस मामले में ये फ़ोन बिल्कुल थम्स अप है जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल जाती है। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि 8GB रैम वाला OnePlus 5 आप लें, आप डेफिनेटली OnePlus 5 64GB स्टोरेज वाला, जिसमें 6GB रैम मिल जाती है, वो ले सकते हैं। उसमें आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो है मिल जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। 6GB रैम के साथ ये फ़ोन स्मूथली चल जाता है, जैसे OnePlus 3 या 3T चल जाता था। इसी के साथ अगर हम बात करें इस फ़ोन के हायर स्टोरेज मॉडल की, तो उसको आप तभी लीजिए जब आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको 33,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है इस फ़ोन के इस मॉडल पे। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, और परफॉर्मेंस के मामले में कहीं कोई कमी आपको नहीं आएगी, बिल्कुल ही स्मूथ OS है। और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 835 वाला ये फ़ोन सबसे सस्ता फ़ोन है, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 835 जो है लेटेस्ट टॉप नॉच हार्डवेयर क्वालकॉम की तरफ से मिल जाता है, जो कि स्टेबल है और डे टू डे यूसेज में आपको अच्छी परफॉर्मेंस जो है मिल जाती है उस हार्डवेयर की वजह से। इसी के साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो है वैल्यू फॉर मनी। अब वैल्यू फॉर मनी अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए डिफाइन होती है। ये फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है अगर आपको बिल्कुल टॉप नॉच की परफॉर्मेंस चाहिए, डुअल कैमरा वाला वो मैजिक चाहिए, और उसके लिए आप 33,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अदरवाइज स्नैपड्रैगन 835 तो आपको महंगे प्राइस में मिलेगा। अगर हम बात करें और चीज़ों की कि इसमें जो कॉम्प्रोमाइज हैं, अगर आपको चलता है कि इसमें OIS नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको चलता है कि इसके अंदर आपको IP68 सर्टिफिकेशन या फिर वाटर रेजिस्टेंट फीचर जो है नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगेन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और कुछ अच्छी बातें हैं दोनों ही इस फ़ोन के बारे में हैं, जिनको कंसिडर आप ज़रूर कीजिए इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आपको OnePlus 5 लेना है। तो फाइनली इस रिव्यू को मैं कंक्लूड करता हूँ, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि OnePlus 5 एक अच्छा फ़ोन है। डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्राइस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रख दी गई है, मुझे लगता था कि ये 30,000 तक में ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया OnePlus ने और इसकी प्राइस बढ़ा के 33,000 रुपये रख दी। अब 33,000 रुपये में आप इस फ़ोन को लेंगे या नहीं लेंगे, वो आप बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैंने अपनी तरफ से आपको बता ही दिया है कि मुझे ये फ़ोन अच्छा लगा है, लेकिन 33,000 रुपये डेफिनेटली मैं इस फ़ोन पर खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइजेज हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाँ, अगर आपको हार्डवेयर के हिसाब से फ़ोन लेना है, अगर मैं एक परफॉर्मेंस यूज़र हूँ, एक पावर यूज़र हूँ, तो डेफिनेटली इस हार्डवेयर के लिए मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव मैंने आपको रख दिए हैं। अगर आपको बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस वाला हार्डवेयर चाहिए, एक स्मूथ एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए, तो डेफिनेटली इस फ़ोन के लिए आप 33,000 रुपये खर्च कीजिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइजेज को ना भूलिए, और उन कॉम्प्रोमाइजेज को देखते हुए ही आप इस फोन को सिलेक्ट कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।